नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, साथ मैं हूं पुनीता। और खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। जेवीएम की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है। 151 सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है। बाबूलाल मरांडी एक बार फिर बने हैं केंद्रीय अध्यक्ष। वहीं अभय सिंह को प्रधान महासचिव बनाया गया है। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को नहीं मिला है कोई पद, सिर्फ कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जेवीएम की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है। 151 सदस्य की कार्यकारिणी बनाई गई है। बाबूलाल मरांडी एक बार फिर केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो वहीं अभय सिंह को प्रधान महासचिव बनाया गया है। और बड़ी बात यह कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कोई पद नहीं मिला है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता राजेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। राजेश, जहां एक तरफ विलय की खबर आ रही है और इसी बीच जेवीएम की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है, तो सबसे पहले सवाल यही होगा कि जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है 151 सदस्य की, क्या जब बाबूलाल मरांडी किसी भी पार्टी में विलय करते हैं तो क्या उनको समर्थन मिलेगा इन सभी सदस्यों का? देखिए, जो नई टीम बनी है कार्यकारिणी के, ये इसी बात को संकेत देती है कि बाबूलाल मरांडी जो निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे जी, ये टीम उनका साथ देगी। और आप देखें कि दो जो महत्वपूर्ण विधायक हैं, तीन विधायक वाली ये पार्टी है, एक बाबूलाल है, बाकी प्रदीप यादव और बंधु तिर्की है। इनमें से दो, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को कोई पद नहीं दिया गया। प्रधान महासचिव का पद हुआ करता था प्रदीप यादव का, और उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा जैसी पार्टी के लिए भी बहुत काम किया है जी। ऐसा नहीं है कि ये वो इसमें उनकी भूमिका बहुत नहीं थी, लेकिन उन्हें पद नहीं दिया गया, ये संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं ये मतभेदता रही है विलय को लेकर, जिस कारण से ये ऐसी स्थिति बनी है। और नई कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है, पार्टी में विलय की जो संवैधानिक व्यवस्था होती है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्टी का विलय किसी भी दूसरे दल में किया जा सकता है, तो उसे मान्यता मिलती है और जो विधायक होते हैं वो उसमें शामिल रहते हैं। अब ये तकनीकी बातें हैं, ये अलग विषय है कि कब विलय होता है नहीं होता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने अपने विचार के अनुसार वैसी टीम तैयार की है जो उनके साथ रहे, हर निर्णय के साथ रहे, हर चाहे वो विलय का निर्णय हो या फिर आगे और किसी तरह के कार्यक्रम को लेकर या कोई रणनीति हो, उन तमाम चीजों को लेकर ये पार्टी आगे कार्यकारिणी जो बनी है। आप जानती हैं कि 5 जनवरी को यह पुरानी कमेटी का विघटन किया गया था, भंग कर दी गई थी पूरी कार्यकारिणी। नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया चल ही रही थी और समय के हिसाब से जो बातें आज बाजार में राजनीतिक हलकों में है कि बीजेपी में जेवीएम का विलय होना है, तो उस लिहाज से देखें तो उसी रास्ते से ये सारी चर्चा चल रही है, सारी खबरें आ रही है और ये जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसी कड़ी में जा रहा है। वैसे मैंने अभय सिंह जो प्रदीप यादव की जगह प्रधान महासचिव बने हैं और उन्होंने ही प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी, उनसे जब श्रीदेव सवाल किया क्या यही टीम बीजेपी में विलय के लिए तैयार हो गई है, उन्होंने जी बिल्कुल राजेश, लेकिन बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को जो कोई पद नहीं मिला है, इससे साफ संकेत हो रहा है कि जो खबरें लगातार आ रही है कि बंधु तिर्की कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, इस पर भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। थाम सकते हैं, ऐसे बयान भी आ रहे थे लोगों से कि ये दो अलग अलग राह जा सकते हैं, क्योंकि बंधु तिर्की का साफ तौर पर कहना जब ये चर्चा चल रही है कि विलय बीजेपी में जेवीएम का विलय, ऐसे में बंधु तिर्की ने कहा था कि वो कुछ भी हो वो बीजेपी में नहीं जा सकते। प्रदीप यादव ने भी 2 दिन पहले ये बयान दिया था कि वो भाजपा के बजाय कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे और कांग्रेस के रूप में निरपेक्ष दल से जुड़ना पसंद करेंगे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों के बयान जिस प्रकार से आए हैं, इससे यही लगता है कि संभव है कि दोनों विधायक जो आज नई कार्यकारिणी में उनका प्रमुख पदों पर नाम नहीं है, उससे कहीं और अलग निर्णय लेने के लिए विवश हो जाए, लेकिन इसका इंतजार करना होगा। चलिए चलिए राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो
जेवीएम की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है, 151 सदस्य की नई कार्यकारिणी गठित हो गई है और साफ संकेत मिल रहे हैं कि जो जेवीएम है वो विलय कर सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कोई पद नहीं मिला है।